एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। लास्ट वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक्स और उससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अभी आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कमर्शियल बैंक आपको जो इतना आपके लिए जो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होता है इन फंक्शंस को परफॉर्म करने का हमारे लिए, विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना मतलब कमर्शियल बैंक का मेन एम है, मेन फोकस है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ। अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस तरीके से करता है या उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रोसेस को बोला जाता है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कमर्शियल बैंक की, क्योंकि उसका एम ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक है, देखो पहले इस टॉपिक को समझने से पहले एक चीज देख लेते हैं। देखो बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वहां पर हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं। ठीक है, वो हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, उन डिपॉजिट से ही वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। कैसे, जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसका उसके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट होगा उसका कुछ फ्रैक्शन अमाउंट तो वो अपने पास एज अ रिजर्व रखेगा। ठीक है, उस फ्रैक्शन को आप लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हो, ठीक है, या फिर कैश रिजर्व बोल देते हो। ठीक है, वो कुछ परसेंट अमाउंट अपने पास रखेगा जितना भी टोटल है उसका, और बाकी का जो बैलेंस होगा, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसको लोन एज अ लोन दे देगा। ठीक है, पब्लिक को, हम लोगों को भी, जिसको भी लोन का नीड होगा हम लोगों को ही वो एज अ लोन प्रोवाइड कर देगा बाकी का बचा हुआ अमाउंट। अब क्या होगा, उसने हमको लोन दिया है, हम लोन तो ऑब्वियसली बात है कभी ना कभी रीपे करेंगे ही, साथ ही साथ हम उस लोन पे उसको इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है, उसी इंटरेस्ट से वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इस प्रोसेस को पूरा, ये वीडियो ही उस प्रोसेस पे, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक पे ही है आपका पूरा वीडियो। बस एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको पहले बता दिया गया था। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखो, अभी हम यहाँ पे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है, ये वो तरीका है जिस प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है मनी क्रिएट करना। ठीक है, अभी क्या है, बैंक को आरबीआई ने रूल बना रखा है कि बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व कुछ सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना ही है टोटल डिपॉजिट का। ठीक है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो परसेंट में, सपोज किसी बैंक में मतलब 100% डिपॉजिट हुआ, जितना भी डिपॉजिट हुआ उसका बैंक ने बोल दिया, आरबीआई ने रूल निकाला, सेंट्रल बैंक ने बोला कि उसका 20% अमाउंट बैंक को अपने पास रखना है और बाकी का जो 80% बचा उसको बैंक इन्वेस्ट कर सकती है। इन्वेस्ट कहीं भी करना है बैंक को करे, ज्यादातर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करके ही करती है। ठीक है, तो 20% बैंक ने अपने पास क्यों रखा, 20% अमाउंट बैंक ने अपने पास इसलिए रखा एज अ रिजर्व क्योंकि हम लोग ने जब बैंक में डिपॉजिट कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है हमको विदड्रॉ भी करना होता है, कभी भी हम जा सकते हैं बैंक में विदड्रॉ करने के लिए। इसके लिए बैंक अपने पास एज अ रिजर्व कुछ अमाउंट रखती है, उस रिजर्व अमाउंट को हम कैश रिजर्व भी बोलते हैं और साथ ही साथ उसका जो परसेंट होता है उसको आप लीगल रिजर्व रेशियो या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो या फिर रिजर्व रेशियो भी बोलते हो। ठीक है, दैट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, लीगल रिजर्व रेशियो इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, कोई और इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी देखो एक चीज है कि बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है, जितना भी बैंक, उससे बैंक एक लिमिट तक ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। LRR मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में आपको बताया, लीगल रिजर्व रेशियो परसेंट में होता है, ये वो अमाउंट होता है विच इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक
जो बैंक को जितना परसेंट बैंक को अपने पास एज अ रिजर्व रखना होता है, ठीक है। तो सपोज बैंक ने बोल दिया, बैंक के पास डिपॉजिट गया 1000 रुपीज, ठीक है, और सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि एज अ रिजर्व बैंक को 1000 रुपीज का जो भी 20% होगा वो अपने पास एज अ रिजर्व रखना है, बाकी का 80% बैंक लोन पे दे सकती है, ठीक है। तो अभी हम मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/LRR। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला MM, दैट मीन्स मनी मल्टीप्लायर, ओके। मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR, 1/LRR की वैल्यू क्या है 20%, आपने 20% लिख दिया, ठीक है, 1/20% का साइन हटकर नीचे 100 हो जाता है, ठीक है। मैथ्स वालों को तो मालूम होगा, नॉन मैथ्स वालों को भी मालूम होगा, है ना। अभी ये क्या है, ये 100 ऊपर चला गया, 20 हाँ है, 100/20 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। मतलब मनी मल्टीप्लायर मतलब बैंक के पास जो भी इनिशियल डिपॉजिट था उसके थ्रू बैंक 5 times ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, ठीक है। मतलब बैंक उस 1000 रुपीज को कितना बना सकती है, टोटल डिपॉजिट अपने पास कितना कर सकती है उस 1000 से। मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट का, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। तो मनी मल्टीप्लायर कितना वैल्यू आया, 5, एंड इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, तो 5 into 1000 विच इज इक्वल्स टू 5000। तो मतलब बैंक 1000 रुपीज को 5000 तक बना सकती है, ठीक है, इतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है 5 times। क्लियर होगा, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये प्रोसेस होता है आपका मनी क्रिएशन का, इस टेबल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बैंक कैसे करता है। लेकिन इस टेबल को समझने से पहले आपको अजम्पशंस समझने में, देखो इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी चीजें एज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है। आप एज्यूम करोगे तभी आप इस टेबल को ईजिली समझ पाओगे। अजम्पशंस क्या है आपके लिए, दो पॉइंट आपको अज्यूम करके चलना है। एज्यूम मतलब एक्चुअल में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करते, बट आपको मानना पड़ेगा अगर ये समझना है तो, ठीक है। अभी फर्स्ट अजम्पशन क्या है आपका, फर्स्ट इज इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 unit एंड इट इज टर्म्ड एज बैंक। हमें पता है कि हमारी कंट्री हमारा स्टेट हमारा सिटी एक से ज्यादा बैंक है कमर्शियल बैंक, ऑब्वियसली आरबीआई तो सेंट्रल हो गया ना, SBI, PNB, कैनरा, बहुत सारे बैंक्स हैं आसपास हमारे, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी है, ठीक है। तो ये चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको अज्यूम करना है कि सभी बैंक एक बैंक है, ठीक है, एक ही यूनिट है और उसको हमने बैंक बोला है। जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसका सिर्फ एक यूनिट है जिसको हमने बैंक बोला है। ये मान लो कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक है, ठीक है, मान लो, अज्यूम कर लो। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, आप जितना भी पेमेंट वगैरह जो भी करोगे वो सारा क्या करोगे, वो सारा बैंक के थ्रू ही करोगे। कोई कैश नहीं लेता, किसी को आप कैश वैश नहीं देते हो, ठीक है, डायरेक्ट बैंक के थ्रू ही आप पेमेंट करते हो, ठीक है। बंदा रिसीव भी करेगा तो बैंक में करेगा, बंदा पे भी करेगा तो बैंक से ही करेगा। ये एक्चुअल में तो नहीं होता, आप कैश भी दे देते हो, कुछ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपको अज्यूम करके चलना है, ठीक है जी। हमको ये टेबल समझनी है तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। हमने कर लिया कि हमारी कंट्री में एक ही बैंकिंग सिस्टम है, एक ही बैंक है, एंड सारी ट्रांजेक्शन जो होंगी वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही होगी, बैंक के थ्रू ही होगी। क्लियर। अब देखो ये टेबल, बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट गया 1000 रुपीज का, ठीक है, बैंक के पास 1000 रुपीज का इनिशियल डिपॉजिट गया, ठीक है। मतलब बैंक में किसी ने शुरू शुरू में पैसा जमा किया 1000 रुपीज, ठीक है। LRR जो था, जो लीगल रिजर्व रेशियो था ना, वो 20% डिसाइडेड था, ठीक है। मतलब RBI ने बोला कि बैंक के पास जितना भी पैसा है उसका 20% एज अ कैश रिजर्व बैंक को अपने पास रखना है। देखो परसेंट में है तो उसको LRR बोलते हैं, वही अमाउंट में रुपीस में आ जाता है तो उसको कैश रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक RBI ने कहा कि 20% LRR है, मतलब बैंक के पास जितना भी इनिशियल डिपॉजिट है, जितना भी डिपॉजिट गया उसका 20% बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। अभी आप क्या करोगे, अभी आप 1000 रुपीज का 20% निकालोगे, ठीक है, 1000 का 20% निकालोगे तो वो कितना होगा, 200।
तो मतलब 200,000 रुपीज किसी ने बैंक में डिपॉजिट किया। अब उस 1,000 में से बैंक ने अपने पास 200 रुपीज रख लिया, 1,000 में से 200 माइनस किया तो कितना बचा, 800। अब 800 बैंक ने क्या करा, 800 बैंक ने लोन पर दे दिया। ठीक है भैया, सिर्फ 200 ही तो रखना था ना, 20% रख लिया, कोई जाएगा और विड्रॉ करने दे दिया जाएगा इसमें से। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने 800 रुपीज लोन पर दे दिया। अब ये जो लोन पर किसी बंदे ने लिया है, कोई नीडी बंदा ही लोन लेता है, ठीक है, कोई शौक शौक से तो लोन लेता नहीं है, किसी को मतलब जरूरत होती है तो वो जाके लोन लेता है। और लोन लिया है तो सेविंग करने के पर्पज से या घर में छुपाने के पर्पज से तो कोई बंदा लोन लेता नहीं है। लोन लेना है मतलब उसको नीड है, उसको जरूरत है, वो उसको खर्च करेगा ही, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा। तो जिस बंदे ने भी 800 रुपीज का लोन लिया, उसने इसको मार्केट में जाके खर्च कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने उसको जो भी जरूरत होगी उस चीज पे अपना स्पेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो जब इसने मार्केट में इन पैसों को खर्च किया है, तो अभी हमने एक अजप्शन पढ़ा था, ये वाला अजप्शन आपने पढ़ा था अभी अभी, कि जो भी पेमेंट होगी वो बैंक के थ्रू ही होगी। तो जब बंदा मार्केट में गया, उसने 800 रुपीज मार्केट में स्पेंड करे, तो ये बैंक के थ्रू ही पेमेंट करी इसने, और जिस बंदे ने पेमेंट रिसीव करी उसने भी बैंक के थ्रू रिसीव करी। तो जिसने रिसीव करी उसके अकाउंट में आ गया वो पैसा 800, क्योंकि बैंक तो एक ही है पूरी कंट्री में। तो जिस बैंक से 800 रुपीज निकला था, वापस से उसी बैंक में 800 रुपीज वापस आ गया, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, अज्यूम करा है कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, अभी 800 वापस से इसके पास आ गया, अभी फिर से रूल बना है भाई कि 20% आपको अपने पास रखना है और बाकी का आप लोन पे दे दो। 800 का 20% निकाला, विच इज 160। 160 बैंक ने अपने पास रखा एज अ कैश रिजर्व, एंड बाकी का जो बचा, मत दैट मीन्स 800 में से 160 माइनस किया आपने तो आपका 640 आया, 640 एज अ लोन फिर से बैंक ने मार्केट में दे दिया। अभी एज अ लोन 640 जो भी लेके गया है, अगेन वही चीज कि वो घर में सेव करने के लिए, छुपाने के लिए नहीं ले गया, वो मार्केट में खर्चा करेगा इस पैसे को भी। अब इस पैसे को जब इसने वापस से मार्केट में दिया, इन्वेस्ट किया, तो फिर ये फिर से सारी ट्रांजेक्शन, पेमेंट, रिसिप्ट सब कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है, वापस से 640 बैंक में आ गया। फिर बैंक ने 20% अपने पास रखा, विच इज 128, सॉरी 640 का 128 बैंक ने अपने पास रखा, 512 बैंक ने फिर से लोन प्रोवाइड कर दिया, ये फिर से बैंक के पास आ जाएगा, फिर बैंक इसका 20% अपने पास रखेगा, फिर ये सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा, तो ये सिस्टम चलता रहेगा कब तक चलेगा, इसको जानने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर जिसका फॉर्मूला अभी आपने लास्ट देखा था, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपने लास्ट देखा था, 1/LRR, LRR 20% था ना अभी हमने पीछे देखा था, तो 1/20% मतलब आंसर क्या आया था आपका, 5। तो मतलब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस टोटल 5 टाइम्स ही चलेगा। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, 5 राउंड चलेंगे इस प्रोसेस के। ठीक है, तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना होगा, टोटल डिपॉजिट होगा, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिपॉजिट का मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट, तो 5 × 1000 विच इज इक्वल्स टू 5000। ठीक है, अब ये 5000 का 20% आया 1000, तो 1000 आपका एज अ कैश रिजर्व बैंक के पास रहेगा, बाकी का जो 4000 था वो लोन में गया। क्लियर, तो देखो मनी मतलब बैंक में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज डिपॉजिट किए गए थे और उसको बैंक ने टोटल डिपॉजिट 5000 बना लिया लोन दे देकर, इंटरेस्ट वसूल वसूल कर। ठीक है, बैंक ऐसे ही काम करता है, बैंक को इसी तरीके से प्रॉफिट होता है। बैंक क्या करता है, बैंक हमारा जो डिपॉजिट होता है बैंक के पास बैंक उसको हमारे डिपॉजिट्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज करता है और उसके थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस उसका किस तरीके का होता है वो आपको मालूम चल ही गया है कि बैंक
कुछ परसेंट अपने पास रखता है जो आरबीआई डिसाइड करती है, और बाकी का बैंक क्या करता है, लोन पर दे देता है। लोन तो उसको वापस रीपे होगा ही होगा, लेकिन उसके लिए प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, लोन के साथ साथ उसको अच्छा खासा बैंक को इंटरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्लियर? होपफुली आपको ये मनी क्रिएशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है आपको इस टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेंट्रल बैंक। ओके, थैंक यू।